वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं टीएस राहुल ब्लॉग्स। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम आईएएस यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में लोकेट है। यहाँ पे एडमिशन लेने चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन इंक्वायरी होंगे, तो हम एक एक करके आपको सॉल्व करेंगे और ये सारी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही एडमिशन करवाइए तो बेटर होगा और अच्छा भी होगा। इस यूनिवर्सिटी में कुछ प्रॉब्लम भी हैं तो भी हम आपको बताएंगे। कैंपस टूर का भी वीडियो इसमें आने वाला है, तो सारा ओवरऑल है जो यूनिवर्सिटी का पूरा हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात किए जाए कि ये यूनिवर्सिटी लोकेट कहाँ है, तो ये भोपाल से थोड़ा सा आउटकट में है। यानी आप यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं तो भोपाल रेलवे स्टेशन से आपको 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा ये। उसके बाद रानी कमलापति, जिसका नाम है जो अभी चेंज हो गया है, पहले था हबीबगंज, अब रानी कमलापति हो गया है, वहाँ से आपकी इसका दूरी 15 किलोमीटर है, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। अब दोनों रेलवे स्टेशन है जो पास में ही हैं, तो जा सकते हैं वहाँ से। और रेड बस भी चलती है जो कि मध्य प्रदेश प्राइवेट लिमिटेड है जो बस, रेड बस चलाती है, उससे भी आप जा सकते हैं। पहले जो आपका जो सवाल होगा, इस यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश कब किया गया था, तो एस्टैब्लिश 2007 में किया गया था और ये ग्रुप ऑफ कॉलेज है, यानी इसमें इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कॉलेज आते हैं। दोस्तों, आईएएस यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इसे बहुत सारे कॉलेज से मिल के ये यूनिवर्सिटी चलती है। इसमें डिप्लोमा भी आ जाते हैं इंजीनियरिंग, ऐसे मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के लिए एक कॉलेज यूनिवर्सिटी को बेस्ट माना जाता है। बट अगर आप यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, हमेशा बदलते भी रहता है। दोस्तों, कोर्सेज़ की बात की जाए तो कोर्सेज़ है जो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, बीएससी यहाँ पे करवाए जाते हैं। इसका जो है देख सकते हैं कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर कितना बताया जा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही कम है, आप यहाँ पे अगर बिहार से हैं और भी कहीं स्टेट से हैं, आपको नंबर कम आया है 10th या 12th में, तो एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो बीटेक के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, 8 कोर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर। बी फार्मा और यूजी डिप्लोमा का भी यहाँ पे कोर्स प्रोवाइड करवाया जाता है। डी फार्मा, जीएनएम का भी कोर्स करवाया जाता है। हालांकि जीएनएम की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है इस बार है, जो स्टेट सर गवर्नमेंट के अंतर में आता है ये। यानी आपको जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एडमिशन आपको तो मिल जाएगा, बट आपका एग्ज़ाम है जो स्टेट बोर्ड लेता है मध्य प्रदेश। बीए भी यहाँ पे एडमिशन होता है, उसका आप देख सकते हैं 75,000 फ़ी है और मिनिमम रिक्वायरमेंट है 45% 10+2 में, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इतना तो हो ही जाएगा, किसी का भी तो 50 से ऊपर ही 60% के आसपास रहता है। तो यहाँ पे ओवरऑल सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा, बट सीट अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे यूनिवर्सिटी का एडमिशन का प्रोसेस के लिए, तो यहाँ पे यूजी के लिए एडमिशन अभी यहाँ पे चालू है और 30 तारीख तक लास्ट डेट है, 30 तारीख के बाद है जो एडमिशन क्लोज कर देगा। हालाँकि एक ऑफलाइन चलेगा, ऑनलाइन क्लोज कर देता है क्योंकि कुछ सीट रिजर्व रखा जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में बॉयज़ हॉस्टल प्रोवाइड करवाए जाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे नहीं है। और बॉयज़ है जो बाहर रहते हैं, यानी यहाँ पे कुछ अगर हॉस्टल में नहीं रहना है तो वो कॉलेज से बाहर भी रहते हैं और डेली अप डाउन क्लास करते हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी भोपाल से थोड़ा सा आउटकट में है, तो रोड वगैरह है जो ठीक नहीं है। अगर रेड बस से भी आते हैं तो आपको 3 किलोमीटर बाद में पहले ही छोड़ देगा, इसके लिए फिर वहाँ से ऑटो लेके आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये आने जाने के लिए समस्या है। मेन रूट में ये नहीं है कॉलेज, और बॉयज़ हॉस्टल में भी ज़्यादा नहीं है, 150 कमरे हैं, तो यानी एक छोटा सा बॉयज़ हॉस्टल, वो भी हम इस वीडियो में आगे दिखाएंगे। तो कैंपस टूर का भी वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको और भी ओवरऑल जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और मेरे हिसाब से है कि आप यहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो एक बार वहाँ पर आपको फिजिकल आके विजिट कर लेना होगा, ताकि आपको खुद से और भी जानकारी मिल जाए, आपको पता चल जाए, क्योंकि हम जो भी निचोड़ जानकारी है हम आपको बता रहे हैं, कुछ जानकारी छूट भी सकती है इन्फॉर्मेशन, तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, शायद हम आपको उसका रिप्लाई जवाब दे दें। दोस्तों, फैसिलिटी भी ठीक ठाक ही है वहाँ पे, पेपर्स हैं हॉस्टल में भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उसके बाद लाइब्रेरी का भी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध है, मेस का भी फैसिलिटी है जो कि बॉयज़ हॉस्टल के लिए है, मतलब बॉयज़ जो वहाँ पर रहते हैं उनके लिए है अवेलेबल। तो रूम वहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो 2-सीटर, 3-सीटर, 4-सीटर तक आपको रूम प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो ये कुछ फैसिलिटी हैं वहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद आप चलिए आगे चलते हैं। और दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर का रेटिंग है जो आप देख सकते हैं 4.0 दिया गया है। आईएएस यूनिवर्सिटी कुछ यहाँ पे आपको नंबर पे भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो उसको भी जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस रैंक में आते हैं तो बहुत ही कम फी में आप बीटेक या बीई डिप्लोमा कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, स्कॉलरशिप है जो 10+2 पास आउट हैं, जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट करने जा रहे हैं उनके लिए है। अगर 75% और से लेकर 90% के बीच में आपका नंबर है तो आपको ट्यूशन फ़ी को कम कर दिया जाएगा।
और अगर 80% से 90% है तो 50% है जो आपका एडमिशन फी सॉरी ट्यूशन फी है वो आपको कम कर दिया जाएगा, और 70% से 80% के बीच में है तो 30% आपका एडमिशन फी कम हो जाएगा, और 70 से 60% अगर हैं तो 20% एडमिशन फ़ी आपको कम हो जाएगा। तो बिहार बोर्ड से जो भी है स्टूडेंट अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं, जो कम पैसे में पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक नंबर इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम पैसे में वहाँ पे करवाया जा रहा है। हॉस्टल थोड़ा ठीक नहीं है लेकिन आउटकट में भी है, बट प्लेसमेंट होता है बहुत कम होता है। प्लेसमेंट की भी बात हम कर लेते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों प्लेसमेंट का जो यहाँ पे कुछ सिनेरियो ऐसा है कि वहाँ पे MBBA के लिए है जो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर माना गया है, तो उसका जो प्लेसमेंट रेट है उसका पैकेज है, मिनिमम पैकेज है 2.5 लाख एंड मैक्सिमम पैकेज है 15 लाख, सबसे हाईएस्ट पैकेज गया है। तो मैनेजमेंट के लिए एडमिशन वहाँ पे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ओवरऑल टेक्निकल का भी वहाँ पे कोर्सेज अच्छे से करवाए जाते हैं, और रूम वगैरह जो क्लासमेट है जो सारा चीज़ मिल जाएगा आपको, डिजिटल बोर्ड वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। ये था IAS यूनिवर्सिटी का कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम आपको बताएं इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो है जो आने वाला है पार्ट टू, जो कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे कैंपस में जाके हम विजिट किए, सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और नेक्स्ट वाला वीडियो आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।